गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर ईवीएस क्लास। और ईवीएस में आपको पता है आवर चैप्टर 18 वेदर एंड सीजन्स इज गोइंग ऑन। हम चैप्टर रीड कर चुके हैं और बुक एक्सरसाइज आल्सो हैव डन। नाउ इट्स टाइम टू राइट इट्स हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर हार्ड वर्ड्स। यू ऑल्सो विल राइट दीज हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक और आप इन सबको बोल बोल कर लिखेंगे। ओके, सो माय फर्स्ट वर्ड इज वेदर। डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, वेदर। नंबर टू कंडीशन, सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन, कंडीशन। नंबर थर्ड वर्ड इज एटमोस्फेयर, ए टी एम ओ एस पी एच ई आर ई, एटमोस्फेयर। नंबर फोर्थ वर्ड इज वार्म, डब्ल्यू ए आर एम, वार्म। एंड नंबर फिफ्थ वर्ड इज ब्राइटली, बी आर आई जी एच टी एल वाई, ब्राइटली। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस साइड। नंबर सिक्स वर्ड इज क्विल्ट्स, क्यू यू आई एल टी एस, क्विल्ट्स। नंबर सेवन ह्यूमिड, एच यू एम आई डी, ह्यूमिड। नंबर एट सीजन, एस ई ए एस ओ एन, सीजन। एंड नंबर नाइन स्ट्रोंग, एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रोंग। एंड लास्ट वन टेंथ ओफन, ओ एफ टी ई एन। दीज आर द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, वेदर। वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम। नेक्स्ट है सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन, कंडीशन। कंडीशन मीन्स हाल, वहां का स्टेट क्या, स्थिति क्या है। नेक्स्ट है नंबर थ्री ए टी एम ओ एस पी एच ई आर ई, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर मीन्स हमारे ऊपर जो एयर का और जो भी मौसम का जो वातावरण है ना, दैट इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। नंबर फोर है डब्ल्यू ए आर एम, वार्म। वार्म मीन्स गर्म। नंबर फाइव बी आर आई जी एच टी एल वाई, ब्राइटली। ब्राइटली मीन्स चमकीला। ओके, नेक्स्ट है नंबर सिक्स क्यू यू आई एल टी एस, क्विल्ट्स। क्विल्ट्स मीन्स होती है रजाइयां। नंबर सेवन है एच यू एम आई डी, ह्यूमिड। ह्यूमिड मीन्स नम। जब देखो बारिश होने को होती है, बहुत क्लाउडी वेदर होता है, तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है बहुत सारी, मतलब बहुत नम मौसम होता है। ठीक है, हर जगह है, एयर नहीं होती है, ह्यूमिड मतलब घुटन सी महसूस होती है, एयरलेस एटमोस्फेयर हो जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर एट एस ई ए एस ओ एन, सीजन। सीजन मीन्स ऋतु। जो थ्री फोर मंथ्स जब एटमोस्फेयर एक जैसा रहता है, दैट इज कॉल्ड सीजन, जिसको ऋतु भी बोलते हैं हिंदी में। नंबर नाइन है एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रोंग। स्ट्रोंग मीन्स पावरफुल। नेक्स्ट लास्ट है ओ एफ टी ई एन, ओफन। ओफन मीन्स कभी कभी। ओ एफ टी ई एन, कई बच्चे इसको ऑफ्टन बोलते हैं, इट्स नॉट ऑफ्टन, इसको बोलेंगे ओ एफ टी ई एन, ओफन। इसमें टी जो है वो साइलेंस है, टी साइलेंट रहेगा, इसमें टी की साउंड नहीं आएगी, सिर्फ स्पेलिंग में लिखेंगे हम इसको। एंड इसको बोलेंगे हम ओ एफ टी ई एन, ओफन। ओके, सो दीज आर द हार्ड वर्ड्स। नाउ इट्स टाइम टू राइट इट्स वर्ड मीनिंग्स। लेट्स राइट वर्ड मीनिंग्स। मैं यहां हेडिंग डाल देती हूं वर्ड मीनिंग्स। आप कहां लिखोगे, आपके जब हार्ड वर्ड्स कंप्लीट होते हैं उसके नीचे मेक पार्टीशन लाइन, लिव वन लाइन, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्ड मीनिंग्स। सो नंबर वन है ह्यूमिड, एच
H-U-M-I-D. ह्यूमिड मीन्स क्या होता है? स्टीमिंग. S-T-A-M-Y, स्टीमिंग. नंबर टू है कंडीशन, C-O-N-D-I-T-I-O-N. कंडीशन मीन्स S-T-A-T-E, स्टेट. ये वाला एस भी कैपिटल आएगा क्योंकि इसमें हम सारे फर्स्ट लेटर, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर रहे हैं तो सारे लेटर्स कैपिटल आएंगे फर्स्ट. नंबर थ्री है डब्ल्यू ए आर एम. वार्म मीन्स होता है होट, H-O-T, होट. एंड लास्ट है नंबर फोर अपरूट, U-P-R-O-O-T. अपरूट मीन्स होता है पुल अप, P-U-L-L, पुल. यूपी अप, पुल अप. एक बार मैं दोबारा इनको रिपीट करवा देती हूँ, देन यू विल राइट इन योर नोटबुक. H-U-M-I-D, ह्यूमिड. ह्यूमिड मीन्स S-T-E-A-M-Y, स्टीमी. C-O-N-D-I-T-I-O-N, कंडीशन. एंड आंसर इज S-T-A-T-E, स्टेट. थर्ड है W-A-R-M, वार्म. वार्म का मीनिंग है H-O-T, होट. लास्ट है U-P-R-O-O-T, अप्रूट. अप्रूट मीन्स क्या होता है? P-U-L-L, पुल. यूपी अप, पुल अप मतलब खींचना ऊपर का हिस्सा. अप्रूट जो प्लांट, जैसे आपने इसमें विंडी डे में पढ़ा ना कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है तो जो ट्रीज होते हैं उसके अप्रूट्स को भी उड़ा ले जाती है, खींच लेती है अप्रूट्स को. ठीक है, तो ये हो गए इसके वर्ड मीनिंग्स एंड हार्ड वर्ड्स. नाउ यू विल राइट डाउन दीज हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक. नाउ इट्स टाइम टू डू इट्स प्रैक्टिस असाइनमेंट. इन प्रैक्टिस असाइनमेंट सी व्हाट इज गिवन हियर इन दिस एक्सरसाइज. ड्रॉ द वेदर सिंबल ऑफ अ रेनी डे, क्लाउडी डे, कोल्ड डे, हॉट डे. ये आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक में हार्डवर्ड्स वर्ड मीनिंग्स लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पर आप ये सारे कंडीशन, ये जो वेदर सिंबल्स हैं इनको ड्रॉ करोगे. मीन्स क्या करना है, सबसे पहले दिया हुआ है रेनी डे, तो आप ऊपर हेडिंग डालोगे रेनी डे और रेनी डे आपको ड्रॉ करना है. मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ कैसे करना है. सपोज हमने यहाँ हेडिंग डाला R-A-I-N-Y, रेनी डे. इस तरह से हमने रेनी डे का हेडिंग डाल लिया और फिर रेनी डे में आप कैसे ड्रॉ करोगे. दिस इज माई पेज, इस तरह से आपका नोटबुक का पेज होता है. तो रेनी डे में आप क्या करोगे, इस तरह से क्लाउड्स शो करोगे और वहां से इस तरह रेन शो करोगे क्लाउड से. और भी आप अपने तरीके से कुछ भी शो कर सकते हो. ओके, ये हमने ट्री शो किया इधर, इधर ये ग्रास लगी हुई है, ये बर्ड्स हैं. ठीक है, इस तरह से यहाँ एक और ट्री शो कर दिया. आप कोई कार्टून भी बना सकते हो, यहाँ अम्ब्रेला कैरी किए हुए या गमबूट रेनकोट्स पहने हुए. तो इस तरह से आपको ये सारे वेदर सिंबल्स ड्रॉ करने हैं अपनी नोटबुक में. ये तो हो गया रेनी डे. ऐसे ही क्लाउडी डे, क्लाउडी डे में आपको क्या करना है, क्लाउडी डे में क्या होता है, बहुत सारे बादल छाए हुए होते हैं, है ना, बारिश नहीं होती, सिर्फ बादल ही छाए हुए होते हैं. ओके, नेक्स्ट है कोल्ड डे. कोल्ड डे में आप क्लाउड्स दिखा सकते हो और स्नोफॉल भी, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, स्नोफॉल दिखा सकते हो. हॉट डे, हॉट डे में क्या होता है, हॉट डे में सन शाइन्स वेरी ब्राइटली, तो आप क्लाउड्स के साथ यहाँ सन दिखा सकते हो उसमें. ठीक है, तो ऐसे आपको ये सारे वेदर सिंबल्स अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं. नेक्स्ट है फिर हमारा सॉल्व द रीडर्स टू फाइंड द वर्ड इन द ग्रिड. यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसके साइड में ये वर्ड रीडल दी हुई है. आपको इन सेंटेंसेस को पहले रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग इसका जो भी आंसर आता है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस आंसर इन दिस वर्ड ग्रिड. क्या दिया हुआ, देखो, दीज क्लोथ्स कीप यू कूल ऑन अ हॉट डे. विच टाइप ऑफ क्लोथ्स कीप यू कूल, आपको ठंडक किस तरह के कपड़े देते हैं, आपको इसमें ढूंढना है. पहले आपको उसका आंसर पता हुआ होना चाहिए. आंसर क्या होगा, कॉटन क्लोथ्स. सो आपको यहाँ कॉटन वर्ड ढूंढना है. देखो ये दिया हुआ है C-O-T-O-N,
कॉटन. ओके नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ रेनी सीजन. व्हाट इज द नेम ऑफ रेनी सीजन? मॉनसून ऑल्सो ना, तो यू हैव टू फाइंड आउट मॉनसून हेयर. इनको सबसे पहले जब आप रीड करोगे तो इनके आपको आंसर्स पता होने चाहिए. आंसर्स पता होंगे तभी तो आप वर्ड ग्रिड में उनको ढूंढ पाओगे ना. नेक्स्ट है आई शाइन ब्राइटली ऑन अ हॉट डे. हु शाइन्स वेरी ब्राइटली ऑन अ हॉट डे? सन. सो फाइंड आउट सन. नेक्स्ट है यू वियर दीज ऑन अ रेनी डे. रेनी डे वाले दिन हम क्या वियर करते हैं? क्या वियर करते हैं हम? रेनकोट. सो फाइंड आउट रेनकोट हेयर. नेक्स्ट है यू कैन सी लॉट्स ऑफ दीज ऑन अ क्लाउडी डे. जब क्लाउडी डे होता है तो बहुत सारे क्या दिखते हैं स्काई में? स्काई में क्या होंगे जब क्लाउडी डे होगा? तो क्लाउड्स होंगे ना. सो यहां आपको इसके लिए क्लाउड सर्च करना है. और फिर हाँ आपको सर्च करके इनका आंसर इनके सामने लिखना भी है. वन वन वर्ड यहां आपको लिखना भी है. जैसे लास्ट है यू ऑल यूज मी ऑन विंटर सीजन. विंटर सीजन पर हम ये कह रहे हैं यू ऑल यूज मी, आप सब मुझे यूज करते हो विंटर सीजन पर. तो वो कौन सी चीज है यहां आपको सर्च करनी है जो हम विंटर सीजन पर यूज करते हैं. ये देखो मैंने ढूंढ लिया यहां बी एल ए एन के ई टी ब्लैंकेट. सो यहां इस लाइन के आगे आपको डैश लगाकर इसका आंसर लिखना है एंड देन यू विल सर्च इन दिस वर्ड ग्रिड. ओके ये तो हो गया आपका वर्ड ग्रिड वाला एक्सरसाइज. नेक्स्ट है यहां राइट द नेम्स ऑफ फाइव सीजन्स इन इंडिया. ये हम क्वेश्चन आंसर्स में अपनी नोटबुक में लिखेंगे. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड सीजन्स आर ऑल्सो गिवन हेयर. सो अकॉर्डिंग दीज सीजन्स मैच दीज सीजन्स विद द गिवन पिक्चर्स. स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है? विच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सीजन, है ना, जहां फ्लावर्स ब्लूम्स हुए होते हैं, सब तरफ ग्रीनरी होती है. सो मैच दिस विद दिस पिक्चर. नेक्स्ट है ऑटम सीजन. ऑटम सीजन इज द सीजन वैन ऑल लीव्स शेड इन दियर ट्रीज. जब सारे ट्रीज ऑल ट्रीज जो हैं दे शेड दियर लीव्स. जब सारे ट्रीज अपनी लीव्स को गिरा देते हैं. नेक्स्ट है विंटर सीजन. विंटर सीजन देखो विंटर सीजन में क्या होता है? इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड. बाहर बहुत ठंड होती है तो लोग विंटर सीजन विंटर से कोल्ड से बचने के लिए क्या करते हैं? आग जलाते हैं ना. नेक्स्ट है समर सीजन. समर सीजन में देखो ये अब आप कहोगे मैम ये तो रेनी सीजन का हो सकता है, बट रेनी सीजन इज नॉट हेयर ना. यहाँ ऑप्शन में रेनी सीजन नहीं है. सन से बचने के लिए, सनलाइट से बचने के लिए वी कैरी अम्ब्रेलाज इन समर सीजन. ओके तो इससे मैच होगा. नेक्स्ट है ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट सीजन एंड राइट टू लाइन्स ऑन इट. तो ये जो आप यहाँ वेदर जो सिंबल्स आप ड्रॉ करोगे उसके नीचे ही आपको ये ड्रॉ करना है योर फेवरेट सीजन. यहाँ आप अपना फेवरेट सीजन ड्रॉ करोगे. विच सीजन यू लाइक मोस्ट? आपको कौन सा समर विंटर स्प्रिंग रेनी ऑटम विच सीजन यू लाइक मोस्ट? ड्रॉ दैट सीजन एंड व्हाई यू लाइक इट. आपको ये क्यों पसंद है ये सीजन? यू विल राइट टू लाइंस ऑन इट. जैसे आपने यहां कोई भी आपका फेवरेट सीजन ड्रॉ किया उसके नीचे आप टू लाइंस लिखोगे व्हाई यू लाइक दिस सीजन. ठीक है इस तरह से आपको ये ड्रॉइंग करनी है. नेक्स्ट है राइट टू लाइंस अबाउट ईच ऑन दीज डेज. ये हम नोटबुक में करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ. तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस असाइनमेंट. ध्यान रखना आपको ये ड्रॉइंग भी अपनी नोटबुक में करनी है. ओके ऑल दीज वेदर सिंबल्स यू विल ड्रॉ इन योर नोटबुक. और हाँ विद हेडिंग वट एवर वेदर सिंबल यू आर ड्रॉइंग फर्स्ट यू विल राइट इट्स नेम. सबसे पहले हम उसका ऊपर नेम लिखेंगे देन ड्रॉ द गिवन वेदर सिंबल. फिर उसके बाद दूसरे का नेम लिखेंगे उसको ड्रॉ करेंगे. इस तरह से आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है विद नेम. और ये जो वर्ड ग्रिड है इसमें आपको फाइंड तो करने ही है आंसर. उसके साथ साथ ये जो लाइंस हैं सेंटेंसेस हैं इनके साथ डैश लगाकर यहाँ इनके आंसर्स भी लिखने हैं. ये वन वर्ड आंसर में आपके पेपर में भी आपके एग्जाम्स में आएंगे ये क्वेश्चंस. ठीक है सो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन
एंड यस, अगर आपको चैप्टर नहीं समझ आया ये प्रैक्टिस असाइनमेंट में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, सो बिफोर डू दिस यू हैव टू रीड द चैप्टर. मैं आपको बार बार यही चीज कहती हूँ कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए. अगर आप चैप्टर रीड कर चुके हो, आपको चैप्टर समझ आ गया है, तो एक्सरसाइज आप बहुत इजीली कर सकते हो, वो आपको खूब बहुत आराम से समझ आ जाएंगी. ओके, सो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन वे. थैंक यू.